प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला है 4489। तो पहले दाईं ओर से हम दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे इसमें, ठीक है। दाईं ओर से देखिए, इधर से एक अंक, दो अंक, दो अंक पे, फिर इधर से एक अंक, दो अंक, यानी दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे दाईं ओर से, दायां हाथ तरफ से। उसके बाद इस तरह हम करेंगे। अब देखिए 44 है पहले, तो 44 किसका वर्ग है, मान किसका वर्ग से कम है। तो देखिए 6×36 होता है, 7×7=49, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। तो 6 का वर्ग से लगेगा क्योंकि 49 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम 36 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 6, 6, ठीक है। तो 6×36, अब घटा देंगे इसको 44, 4 में से 6 यानी 14 में से 6 गया तो 8, ये हो गया 3, तो 3 में से 3 गया 0। यहाँ पे 6 लिख देंगे क्योंकि 6 से हम लगाए हैं इसको, अब इसको जोड़ देंगे। तो देखिए 6×6=12, 6×6 कितना हुआ 12, यहाँ पे जोड़ देंगे हम इसको। अब इसको उतारेंगे 89 को, तो 889 हो गया। तो अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करके इतना लाना है 889। तो देखिए 7 रखेंगे तो 127 गुना 7 करेंगे तो 7×7=49, हाथ में रहा 4, 7×2=14, 4×4=18, हाथ में रहा 1, 7×1=7=18। तो देखिए 889 आ गया, ये पूरा पूरी कट चुका है। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे तो इसका वर्गमूल आ गया 67, और यहाँ पे जोड़ देंगे 7×7=14, 2×1=3=1, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 4489 का वर्गमूल आ गया 67। तो पहले 6 से लगाएंगे उसके बाद 7 से लगाएंगे, तो पूरा लग जा रहा है, यानी इसका वर्गमूल आ गया 67। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √4489/67 इसका वर्गमूल। अब दूसरा है 3481। तो इसमें भी हम दायां तरफ से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। तो 34 कितना बार में लगेगा, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36, तो 5 का वर्ग से लगाएंगे यानी 5×5=25, 14 में से 5 गया 9, ये देखिए 2 में से 2 गया 0। तो इसको जोड़ देंगे आप 5×5=10, और 5 यहाँ लिखेंगे क्योंकि 5 से हम लगाए हैं। अब 81 को यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करके इतना आना चाहिए। तो देखिए 9 रखेंगे तो 9×9=81 और 9×1=9, यानी देखिए 109 नंबर होगा 981। तो 9 लिखेंगे यहाँ पे, 59 आ गया किसका वर्गमूल, 3481 का। तो 109 और 9 जोड़ देंगे, 9×9=18 और 1, 109 और 9 कितना हो जाएगा 118, ठीक है। यहाँ पे जोड़ना रहता है और यहाँ पे देखिए गुना करके लिखना, और जो जिससे लगाएंगे वो उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो 3481 का वर्गमूल कितना आ गया, 59। तो हम लिखेंगे यहाँ पे √3481=59। तीसरा में है 3249। तो इसको भी दायां तरफ से हम दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे इधर से, और अब देखिए 32 किसका वर्ग से छोटा है, तो 6×36 इससे बड़ा है, तो 5×5=25 लगाएंगे हम। तो लिखेंगे 5 यहाँ पे, 5×5=25, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखेंगे, घटाएंगे 12 में से 5 गया 7,
तो सात आया यहाँ पे, यहाँ पे जोड़ देंगे, पाँच पाँच कितना होगा दस। अब उनचास को उतार लेंगे हम नीचे, तो अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करने पे इतना आना चाहिए। तो देखिए तीन तिहाई नौ, तीन से नहीं होगा सात, हाँ सात से, सत सते उनचास, देखिए 107 सते, 107 सते 749 हो जाएगा। देखिए सत सते उनचास, सात गुने एक सात, तो ये कट गया, तो 107 और सात कितना आ गया, सात सात 14, 114, ठीक है। तो अब सात यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि सात से लगाए थे, तो इसका वर्गमूल आ गया कितना, 57, 3249 का वर्गमूल 57। तो लिखेंगे हम अंडर रूट 3249 बराबर कितना, 57। इसका उत्तर यानी वर्गमूल आ गया, तो 57 का वर्ग होगा 3249, और 3249 का वर्गमूल होगा 57। फोर में है 1369, 1369, तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे हम, तो 13, 13 देखिए किस किस वर्ग किसका वर्ग से लगेगा, तो तीन तिहाई नौ, चार चौक 16 होता है, तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग 16, तो तीन का वर्ग से लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तीन तिहाई नौ, 13 में से नौ गया चार, ठीक है। यहाँ पे तीन लिखेंगे, तीन से लगाए हैं, यहाँ पे जोड़ देंगे, तीन तीन छः। अब 69 को उतारेंगे तो कितना आ गया, 469, ठीक है। तो अब यहां पे जो अंक रखना है उसी से गुना करने पे इतना आना चाहिए। तो देखिए सात, सत सत 49, सात छक 42, चार 46, हाँ सात से देखिए 67 सते, सत सत 49, हाथ में रहा चार, सात छक 42, चार 46, तो देखिए ये आ रहा है गुना करने पे 67 सटे सते 469। यहां पे जोड़ेंगे सात सात 14, हाथ में रहा एक, छः एक सात, कितना देखिए सात से लगाए थे, तो यहाँ पे सात लिख देंगे, तो 1369 का वर्गमूल कितना आ गया, 37। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1369 बराबर 37, 1369 का वर्गमूल 37 आ गया है। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।